चलिए भैया, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फटाफट तरीके से क्लास में आ जाओ। क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। देख लो भैया, आज की क्लास का अपना टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम प्योर स्टैटिक वाला टॉपिक, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण। यहां से क्वेश्चन आते हैं भैया, किसकी खोज किसने की थी, कौन सा उपकरण किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, सभी चीजों को आज अपन देखने वाले हैं भैया। एक के बाद एक क्वेश्चन धुआंधार तरीके से लगाएंगे। ये सभी आपके क्या है भैया, सोशल मीडिया हैंडल्स है, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये इसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि यहां पर आपको इन सभी टॉपिक वाइज सीरीज की टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम के पहले तो आपको बहुत ज्यादा शानदार फील होने ही वाला है, क्योंकि हर टॉपिक के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले से ही होंगे। ठीक है, 6 बजे अपनी क्लास रहेगी भैया, जीके और जीएस, काई की क्लास, जीके जीएस की क्लास। इसमें अपन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू को देख रहे हैं। अगर मैं कहूं एमसीक्यू को नहीं देख रहे, अपन पीवाईक्यू को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो होमवर्क दिए थे, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा, सलीम अली, शिमला का सन्यासी, हर्मिट ऑफ शिमला भैया, ए ओ ह्यूम। ठीक है, फटाफट बता देना जरा कमेंट में, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ठीक है, गोलन की पहाड़ियां कहां स्थित हैं, दक्षिण पश्चिम सीरिया में। ठीक है, चलो भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वायुमंडल दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, फटाफट तरीके से बता दो। चलो भैया, फटाफट तरीके से आंसर बताओ। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग होता है, कौन से यंत्र का उपयोग होता है? चलिए चलिए भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए, वायुमंडलीय बैरोमीटर, बैरो, कुछ लोग हाइग्रोमीटर भी दे रहे हैं, कुछ लोग मैनोमीटर भी दे रहे हैं, बैरोमीटर भी दे रहे हैं, हाइड्रोमीटर भी दे रहे हैं। अब फटाफट तरीके से आंसर बताओ भैया, मैनोमीटर और बैरोमीटर में काफी कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए बात समझो, अब यहां पे बात हो रही है वायुमंडलीय दाब की, और वायुमंडलीय दाब मापता है मैनोमीटर। वायुमंडलीय दाब कौन मापता है भाई साहब? मैनोमीटर मापता है, याद रखना। ठीक है, तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बैरोमीटर दाब मापता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं तो वो कौन नापेगा? मैनोमीटर नापेगा। ठीक है, चलिए चलिए भैया, इस चीज को देख लेते हैं। इसका आंसर आपने देख लिया, आंसर क्या हो जाएगा? मैनोमीटर आंसर हो जाएगा। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट तरीके से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सुमिलित नहीं है, मतलब गलत का चयन करना है कि इनमें से कौन सा गलत है। एनीमोमीटर वायु की चाल बताता है, एम मीटर विद्युत धारा बताता है, टैकियोमीटर दाबांतर, और पायरोमीटर उच्चताप। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा गलत है भैया, याद रखना। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों? क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं और लगभग अपन 30 के पार चलेंगे आज। ठीक है, फटाफट तरीके से बताओ। चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है टैकियोमीटर, आंसर आ चुका है भैया टैकियोमीटर दाबांतर नहीं बताता है, याद रखना है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? टैकोमीटर आंसर हो जाएगा। ये बताता क्या है भैया बताओ? ये क्षैतिज दूरी को बताता है। क्या बताता है टैकियोमीटर? ये क्षैतिज दूरी को बताता है, याद रखना भैया। ये किसको बताएगा? ये क्षैतिज दूरी को बताता है, क्षैतिज दूरी को बताता है। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, वेलोसिटी ऑफ विंड, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या हो जाएगी अपनी? एनीमोमीटर। चलिए आगे चलते हैं भैया, इंग्लिश में बता दो, याद रखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर है भैया? चलिए भैया फटाफट तरीके से आइए। अरे दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट आ रहा है, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। चलो याद रखना, क्वेश्चन सब जबरदस्त होने वाले हैं। बताओ विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी।
अब आपको बताना भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, क्या बाथीमीटर बैथीमीटर यूज होता है, क्रायोमीटर यूज होता है, एरोमीटर यूज होता है, साइमोमीटर यूज होता है, फटाफट तरीके से आंसर दो भैया। चलिए फटाफट तरीके से दो, और क्लास को जरा एक बार लाइक कर देना यार। चलिए फटाफट आंसर आना चाहिए, क्रायोमीटर आंसर आ रहा है। काफी लोग क्रायोमीटर दे रहे हैं, याद रखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोस्टली बच्चे इस वाले टॉपिक में फंस जाते हैं, याद रखना। तो आज अपन पूरा टॉपिक करने वाले हैं, और कल की क्लास तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स एसएससी पूछता है, इन बुक्स को अपन करने वाले हैं। अब चाहे बुक्स आपकी करेंट की हो, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हो, कोई भी बुक हो, कल की क्लास से बच के नहीं जाएगी। याद रखो आज का इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरोमीटर। एरोमीटर क्या मेजर करता है भैया, एरोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है। क्या करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो याद करते जाना भैया सभी चीजें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आंसर बताना है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया, फटाफट तरीके से आंसर आना चाहिए भैया। रफ्तार अपन तेज करने वाले हैं, ठीक है। सर जी नोट्स बना रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खेमचंद जी, नोट्स बनाकर ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। बताओ भैया गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बताना है भैया, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए याद रखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लीगो। क्या हो जाएगा आंसर, लीगो हो जाएगा, इस चीज का याद रखना। लीगो का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, याद रखना भैया फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, याद रखना क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको क्या बोलते हैं भैया, इस यंत्र को, इस उपकरण को बोला जाता है लीगो। क्या बोला जाता है, लीगो बोला जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना। सबसे पहले अगर गुरुत्वाकर्षण ये तरंगों को किसी ने मेजर किया था तो वो किस यंत्र की मदद से मेजर किया था भैया, लीगो की मदद से किया था। ये सभी क्वेश्चन याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन तो मैं दिख पाएगा अभी कुछ ही दिन में दिख जाएगा, वैसे तो एमटीएस के चल ही रहे हैं, एमटीएस में तुम देखना यहां से क्वेश्चन तुम्हें फंसेंगे, ठीक है। भौतिक में हबल नियंत्रक क्या कहलाता है, आपको बताना है हबल कॉन्स्टेंट क्या कहलाता है, फटाफट तरीके से बताओ। हबल कॉन्स्टेंट किसकी बात हो रही है, हबल कॉन्स्टेंट की बात हो रही है, बहुत बढ़िया। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, बहुत बढ़िया साक्षी राजपूत जी, आंसर स्पीड पे आने चाहिए आज। चलिए कुछ लोग सी दे रहे हैं, सी पे देख लेते हैं, माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है, सी आंसर आ रहा है, नेहा जी को नहीं पता। चलो भैया देख लो इसको थोड़ा सा समझो, कि एक भाई साहब थे जिनका नाम क्या था, एडविन हबल, इनका नाम क्या था भैया, एडविन हबल नाम था इन भाई साहब का, और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड क्या हो रहा है भैया, विस्तारित हो रहा है। ये किसने बताया था, ये बताया था एडविन हबल ने, ठीक है। इसीलिए जो एडविन हबल, हबल कांस्टेंट की अगर बात करें तो हबल कांस्टेंट क्या बताता है, माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है, क्लियर है भैया इतनी चीज। चलिए एडविन हबल नहीं, एक टेलीस्कोप भी बनाया था, जिस टेलीस्कोप के माध्यम से उन्होंने बताया था उसका नाम था हबल्स टेलीस्कोप। क्या नाम था भैया, हबल्स टेलीस्कोप नाम था, याद रखना हबल्स टेलीस्कोप नाम था, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट तरीके से बताओ एल्गोरिदम का सचित्र निरूपण क्या कहलाता है, व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम कॉल्ड, फटाफट तरीके से आंसर आना चाहिए भैया आज की क्लास में। प्योर स्टैटिक का टॉपिक है, इसमें बहुत कम समझने का है, प्योर स्टैटिक का टॉपिक है, और इसको स्टैटिक की तरह ही अपन बहुत तेज गति से करने वाले हैं, ठीक है, फटाफट तरीके से बताओ। अभिषेक सिंह जी नहीं भाई, बाकी है अभी एक दो दिन। चलिए ग्राफ, ग्राफ बहुत बढ़िया, काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग लगभग गलत आंसर दे रहे हैं भाई। चलो इसका आंसर समझो, इसका आंसर होगा फ्लो चार्ट,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो जिस किसी ने भी सी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट। ठीक है, याद रखो एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई भी एक फॉर्मूला। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? कोई भी एक फॉर्मूला। और जब भी किसी फॉर्मूले को आप किसी चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये चार्ट आपको इस तरीके से वैल्यू बताता है कि अगर आप इसमें कोई वैल्यू पुट करोगे तो सामने से आपको आउटपुट भी दिख जाएगा इसी पिक्टोरियल फॉर्म में। और इसको बोला क्या जाता है? फ्लो चार्ट, जहां पर एक फ्लो मेंटेन हो, याद रखना। ठीक है, एल्गोरिदम का फ्लो मेंटेन हो, उसी को बोला जाता है फ्लो चार्ट। तो इसको गलत मत करके आना, काफी लोग ग्राफ लगा के आए थे जब ये एग्जाम में देखने को मिला था। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विच फिजिसिस्ट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर क्वांटम थ्योरी इन 1918? फटाफट तरीके से आपको आंसर बताना है भैया। सर आज तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, 25 पूरे अटेम्प्ट किए जीके जीएस में, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बार सिलेक्शन किसी ना किसी चीज में तो लेना ही है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया श्वेता जी, चलिए आंसर बताइए भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी आ रहा है, काफी लोग आंसर सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। याद रखना मैक्स प्लांक, नाम क्या है भाई साहब का? मैक्स प्लांक को 1918 में क्या दिया गया भाई साहब? 1918 में नोबल पुरस्कार दिया गया, याद रखना। क्या दिया गया? नोबल प्राइज दिया गया। ठीक है, नोबल प्राइज किसके लिए? क्वांटम थ्योरी बताने के लिए। किसके लिए भैया? क्वांटम थ्योरी बताने के लिए। क्वांटम थ्योरी में था क्या, जरा ये चीज बता दो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत माइक्रो लेवल पर स्टडी की गई थी। क्लियर है, इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। बताओ फटाफट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अलका परिहार जी ने कमेंट किए तीनों क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। निशा राठौर जी ने भी कमेंट किया, बहुत शानदार। इति मालविया जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया कमेंट किया। आराधना जी, कोमल बात्री जी, सभी ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मीटर जो वाहन की चाल मापता है, आपको बताना है भैया, मीटर जो वाहन की चाल मापता है, फटाफट तरीके से बताओ। सर सिलेक्शन हो जाए फिर आपसे मिल जाएंगे, बिल्कुल आना भाई, स्वागत है। चलिए फटाफट स्पीड पे आंसर देना है। याद रखो मीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा कौन सा? ओडोमीटर। तुम्हारी बाइक में दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। एक क्या होता है? स्पीडोमीटर। ये जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर क्या मेजर करता है भैया? कि आपका ट्रिप डिस्टेंस कितनी है। समझ में आया? ट्रिप की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, मतलब टोटल अभी तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कौन बताता है? ओडोमीटर बताता है। अपन देखते हैं ना कि गाड़ी कितनी चली है। और स्पीडोमीटर क्या बताता है? कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है। तो ये एक प्रकार से क्या बताता है? ये इंस्टेनियस स्पीड बताता है। क्या बताता है? इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? किसी एक समय बिंदु पर आपकी गाड़ी कितनी गति के साथ चल रही है, वो कहलाती है इंस्टेनियस स्पीड। और इसको बोला जाता है स्पीडोमीटर या चाल मापी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। फटाफट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। फटाफट तरीके से आंसर आना चाहिए भैया, आज बहुत सारे क्वेश्चन लगाना, ये टॉपिक काफी बच्चों को परेशान करता है एट द एंड। ठीक है, क्योंकि इसको आप अच्छे से नहीं लगा के जाते और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई डिस्कवरी हो या कोई भी चीज हो। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग प्रकृति जी, फटाफट तरीके से आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ चुका है भैया, शिक्षा की बात कर दी, एजुकेशन की बात कर दी, तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, एड्यूसेट जो होगा, एड्यूसेट जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना। तो एड्यूसेट सबसे पहली ऐसी सैटेलाइट है जिसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लास को जरा लाइक कर दो भैया, बहुत शानदार से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बताओ सुनीता विलियम कौन भैया? सुनीता विलियम को पृथ्वी से परे ले जाने वाला अंतरिक्षयान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट तरीके से बताओ सुनीता विलियम। चलिए सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भैया, फटाफट तरीके से आंसर देना है। चलिए आंसर सी आ रहा है, वोयेगर बोल रहे हैं। डी आंसर भी आ रहा है, डी पे क्या लिखा? चलिए चैलेंजर बोल रहे हैं, मतलब सब तुक्के लगा रहे हैं आज। ठीक है, अब देखो भैया इसका आंसर था डिस्कवरी। क्या आंसर था? डिस्कवरी, याद रखना। डिस्कवरी नाम था उस यान का जिसमें सुनीता विलियम जो थी अंतरिक्ष में गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। याद करते जाना,
प्योर स्टैटिक है ये, प्योर स्टैटिक, ठीक है, प्योर स्टैटिक का टॉपिक है, याद करते जाना इसमें फटाफट तरीके से, इन क्वेश्चंस को एग्जाम में लगा के जाना, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। किए गए कार्य को मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड, फटाफट तरीके से आपको बताना है भैया, चलिए आंसर बताइए भैया, वर्क डन मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। मेरे गलत हो रहे हैं सब, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है मुझे पता है, काफी लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से तो मैं टॉपिक तुम्हारे लिए लेके आया हूं, ठीक है, काफी लोगों के तुक्के ही चल रहे हैं, वो तो कमेंट देख के समझ आ जाता है। चलिए इसमें बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि भैया यहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके गलत हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वर्क डन, वर्क कितना हुआ है इसको मेजर करने के लिए एर्गोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, एर्गोमीटर, एनीमोमीटर बोल रहे हैं काफी लोग, एनीमोमीटर विंड से रिलेटेड है, हाइटोमीटर रेडियो सॉरी हाइटोमीटर रेनफॉल से रिलेटेड है, ठीक है, चलिए एर्गोमीटर अच्छी तरीके से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आज क्वेश्चन अपन को थोड़े से ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि उपकरण बहुत सारे हैं भाई, और मैं नहीं चाहता तुम्हारा कोई भी चीज बच जाए एग्जाम के लिए। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में हेल्प करता है, आपको बताना है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या बोलता है भैया बताओ जरा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला उसी से निकाला होगा, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें आई क्या था इलेक्ट्रिक करंट, V क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, और आर क्या था उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस, फटाफट तरीके से आंसर आना चाहिए भैया। चलिए V इज इक्वल टू आई आर, बहुत बढ़िया, आंसर यूडियोमीटर नहीं होगा, आंसर क्या होगा फटाफट बताओ, आंसर काफी लोग बी दे रहे हैं, याद रखो आंसर हो जाएगा बैटरी, आंसर क्या हो जाएगा बैटरी, जो बैटरी होती है, कोई भी अगर बैटरी है, ये क्या करेगी, ये दो मान लो, ये आपका एक पूरा का पूरा कंडक्टर वायर है, ये क्या है कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू कब फ्लो होगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन चलना चालू होंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन चलना चालू होंगे याद रखना, और इलेक्ट्रॉन कब इसमें चालू होंगे चलना, इस चीज को भी याद रखो, इलेक्ट्रॉन जब चालू होंगे, जब इस सर्किट से इस कंडक्टर में कोई ना कोई आप बैटरी जोड़ेंगे, ये किसका सिंबल है भाई साहब, ये है बैटरी का सिंबल, जब आप इसमें कोई ना कोई बैटरी जोड़ेंगे तब इसमें चालू होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, क्लियर है, और यही तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का आपका स्टेबल तरीके से मेंटेन हो गया, अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं करोगे आप तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां फ्लो नहीं होंगे, इतनी चीज क्लियर है, तो अगर किसी भी कंडक्टर से आप चाहते हो, किसी भी कंडक्टर से आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए, विद्युत बह पाए, विद्युत धारा बह पाए, तो उसको क्या बोल सकते हैं भैया, उसको बोल सकते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट तरीके से तैयार रहना भैया, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है, फटाफट आंसर बताना, और आज की क्लास में भी आपको यह चीज जरूर बतानी है भाई कि आपके कितने सही हुए, ठीक है, टॉपिक डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, बिल्कुल टॉपिक्स डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पता ही होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन के बहने की दर किसी भी कंडक्टर से, उसको अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। पायरोमीटर बताओ भैया, पायरोमीटर, पायरोमीटर किसका इस्तेमाल करता है, उच्च ताप के लिए, उच्च ताप के लिए, बहुत बढ़िया, मीना ठाकुर जी का आंसर आया है, बहुत शानदार, आंसर क्या हो जाएगा भैया, उच्च ताप के लिए, याद रखना, ठीक है, उच्च ताप के लिए, उच्च ताप के मेजरमेंट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है आपका कौन सा, पायरोमीटर, याद रखना कौन सा मीटर, पायरोमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको अच्छी तरीके से देख लेना, बताओ फटाफट तरीके से आंसर, उसके पहले देख लेते हैं, साक्षी राजपूत जी ने बहुत शानदार कमेंट किया, धन्यवाद साक्षी जी, हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त समाज, बहुत बढ़िया, इन्होंने भी बहुत शानदार कमेंट किया है, आंसर दिया है, कामिनी जी ने भी आंसर दिया है, संजेश जी ने भी, तीनों के आंसर दिए, बहुत बढ़िया, मयंक मिश्रा जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास थी, पूरा रिवीजन बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए फटाफट तरीके से आंसर दीजिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताओ भैया किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, चलिए फटाफट तरीके से बताओ, देखो याद रखना ये टॉपिक में मैं क्वेश्चन ज्यादा लगवा रहा हूं, इसी कारण से मैं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं बहुत ज्यादा इसमें सभी ऑप्शंस को डिटेल नहीं कर पा रहा हूं,
ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं करूंगा तो आपको याद कम होगा, और यहां पे याद बहुत ज्यादा करना जरूरी है। फटाफट बताओ आंसर क्या हो जाएगा? सोनार आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सोनार आंसर हो जाएगा। सोनार आपको पता ही होगा, सोनार होता क्या है, ये मान लो है तुम्हारी जहाज, ठीक है, ये है तुम्हारी जहाज। जहाज में क्या लगा रहेगा? एक ट्रांसमीटर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ट्रांसमीटर, और एक लगा रहेगा रिसीवर, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो नीचे एक पत्थर डला हुआ है, इसको इस पत्थर की गहराई डिटेक्ट करनी है, तो ये क्या करेगा, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स इस पत्थर तक भेजेगा। क्या भेजेगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्लियर है। जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें टकराएंगी और वापस से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक होंगी, इसको कैच कौन करेगा? रिसीवर इसको कैच कर लेगा। अब ये क्या करेगा, दोनों का डिस्टेंस निकालेगा, क्योंकि इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स की क्या गति पता होती है, और इसका टाइम ये निकाल लेगा कि कितनी देर में गई और कितनी देर में वापस आई। और एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको स्पीड पता है, इसको टाइम पता है, स्पीड को टाइम का मल्टीप्लाई कर देगा, इसको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि ये कितनी दूरी पर ये पत्थर स्थित है। इतनी चीज क्लियर है। इसी तरीके से क्या इस्तेमाल किया जाता है भैया? सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया, फटाफट बताना है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं बताओ भैया? क्या रेडियो वेव्स उपयोग करते हैं, ऑडियो वेव्स उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स उपयोग करते हैं, या इंफ्रासाउंड वेव उपयोग करते हैं? फटाफट तरीके से आंसर बताओ। इसका आंसर तो मैं दे ही चुका हूं वैसे भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, सभी को लगाना है भैया कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी आंसर आ गया है। इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया था, अल्ट्रासोनिक वेव्स आंसर हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट तरीके से बताओ भैया आंसर बताओ। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अब याद रखना, बैरोमीटर प्रेशर मेजरमेंट ही करता है। बैरोमीटर जो होता है ये क्या मेजरमेंट करता है? प्रेशर। लेकिन मैनोमीटर से कंफ्यूज मत होना, मैनोमीटर वायुमंडलीय प्रेशर मेजर करता है, और बैरोमीटर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर मेजर करता है, याद रखना। इसमें आंसर आ गया, मोनिका नायक जी का आंसर आया टॉर्सली। बहुत बढ़िया, चलिए एक आंसर अभी तक सही आया है, दो तीन आंसर आ गए अब तो सही। बहुत बढ़िया, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट तरीके से देख लो, टॉर्सली जो है, टॉर्सली साहब ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, तो इसको मत भूलना। टॉर्सली क्या? टॉर्सली, आगे का नाम भूल जाओ तो भूल जाओ, टॉर्सली नाम मत भूलना, टॉर्सली नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए टॉर्सली ने किसका आविष्कार किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किया था। बैरोमीटर क्या नापता है? प्रेशर नापता है। फटाफट बताओ निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया था? बताओ भाई साहब, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये तो तुम सब लोग बता दोगे, फटाफट तरीके से आंसर बताना, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, आंसर सभी का आ गया, बहुत बढ़िया। आखिरी में बताना जरूरी है भैया कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, और जरा क्लास को लाइक कर दो, क्लास को लाइक जरूर कर दो भाई साहब, ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर दो। मार्कोनी, बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोनी आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करना, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो करना लाइक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली आधुनिक विद्युत वातानुकूल इकाई, या इसको बोल सकते हैं एयर कंडीशनर, बहुत आसान भाषा में, क्लिष्ट हिंदी तो इसकी घातक हो जाएगी। क्या बोलते हैं अपन कि सबसे पहले पहला मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनर यूनिट किसने बनाया था? आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भाषा को क्लिष्ट करने का प्रयोग किया गया है। क्या पूछ रहा है वो तुमसे कि एसी किसने बनाया? बताओ भैया एसी किसने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। डिस्कवरी हो चाहे आपका क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो, क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर श्वेता मालविया जी ने दिया है, बहुत शानदार, कैरियर, ठीक है। तो पूरा नाम याद ना हो मत करना, कैरियर याद रख लेना। क्या याद रख लेना? कैरियर याद रख लेना। और एक चीज याद रखना, मान लो तुम क्या एसी को तुम लेके आए, एसी को
तुम लेके आए और एसी को तुम अपनी साइकिल के कैरियर पर रख के लेके आए। कहाँ लेके आए? साइकिल के कैरियर पर रख के लेके आए। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से याद करना कि तुम एसी को साइकिल के कैरियर पर रख के लाए। ठीक है, चलो इतनी चीज क्लियर है। एसी को कहाँ से रख के लाए? साइकिल के कैरियर पर रख के लाए। ठीक है, चलो भैया याद रखना, एसी साइकिल का कैरियर, पता ही होगा कैरियर क्या होता है। ठीक है, सुनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, बताओ भैया फटाफट तरीके से बताओ। मेरे तो गलत हो रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। याद रखो ये टॉपिक मैं बता रहा हूं प्योर स्टैटिक का टॉपिक है, इस टॉपिक को 95% बच्चे छोड़कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुमसे मैं बोल रहा हूं अपने क्वेश्चंस लगा के जाना आखिरी टाइम में। ठीक है, क्वेश्चंस जरूर लगा के जाना। चलो बताओ सोनार कौन यूज करता है भैया? क्या अंतरिक्ष यात्री द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और नौ संचालकों द्वारा? तो याद रखना जो नाव चलाते हैं, पनडुब्बी चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, वही सोनार का इस्तेमाल करते हैं समुद्र में चीजों की गहराई को मापने के लिए, कितनी दूरी पर स्थित है नाव से। ठीक है, बाय द नेविगेटर्स, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? आपको बताना है अत्यधिक, बहुत वेरी हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, किसकी? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, आपको बताना है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर क्या होगा भैया? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को अगर तुम्हें मेजर करना है तो तुम टच करके तो पता लगा नहीं सकते, किसके द्वारा लगाओगे? बहुत शानदार आंसर आ चुका है भैया, याद रखना पायरोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा तुम ये बता सकते हो कि सर इतने ज्यादा टेम्परेचर का क्या एक वैल्यू होगी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। पायरोमीटर क्या करता है? बहुत ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा ही तापमान को मेजर करता है। अब एक चीज बता दो, बहुत कम तापमान को कौन मेजर करता है जरा बता दो, और तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को कौन मेजर करता है ये भी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? अब इसका आंसर दो जरा, इसका आंसर आना चाहिए भैया, तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन आसान, काफी लोग इसको गलत कर देंगे। फटाफट तरीके से आंसर बताना भैया, याद रखना आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एक ऐसा आज का और कल का टॉपिक, ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसको 95% बच्चे छोड़ के जाते हैं, और मैं पूरा का पूरा सार तत्व तुम्हें एक घंटे की क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आंसर काफी लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, काफी लोगों का आंसर सही है। याद रखो विकिरण तापमापी रेडिएशन थर्मोमीटर होता है पायरोमीटर। विकिरण तापमापी या रेडिएशन थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर इस उपकरण को, मान लो ये बहुत ही धधकती हुई चीज है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, और इसका क्या, इसको टेम्परेचर मापना है, तो ऐसी जरूरत नहीं है कि तुम्हें इस उपकरण को इस चीज के ऊपर रखना पड़े। तुम क्या करोगे, तुम सिंपली क्या करोगे, इस उपकरण को इस चीज की तरफ घुमा दोगे और ये क्या करेगा, ये रेडिएशंस भेजेगा इसकी तरफ, और वो जो रेडिएशंस लौट के आएंगी उन रेडिएशंस के माध्यम से ये बता देगा कि भैया कितना टेम्परेचर है इस खोलती हुई चीज का। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएशन थर्मोमीटर। याद रखना ये रेडिएशंस विकिरण के माध्यम से ये बता पाता है। ठीक है, चलिए बताइए टीवी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? अब ये क्या पूछ रहा है भैया, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, बताओ जरा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलियोमीटर सन की मेजरमेंट लिए, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट तरीके से जरा क्लास को लाइक कर दीजिए यार, अगर क्वेश्चंस का लेवल पसंद आता है तो क्लास को लाइक कर देना, इतने लोग देख रहा हो लेकिन अभी तक लाइक कम है, जरा लाइक कर दो पहले तरीके से। बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है, आराधना जी का आंसर आ गया, बहुत शानदार। आंसर क्या हो जाएगा? सलमन और वैक्समैन। ये एक ही व्यक्ति था कि दो व्यक्ति थे, बताओ जरा? ये सोलमोन नहीं लिखा है भैया, ठीक है, ये सलमोन भाई नहीं लिखा है, सेलमन लिखा है। ये सेलमन और वैक्समैन ये दोनों अलग अलग थे, याद रखना दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। क्लियर है, चलिए इसका आंसर याद रख लेना, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सलमन और वैक्समैन ने किया था, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले पोरस के आंसर देख लेते हैं, पोरस ने बहुत शानदार तरीके से आंसर दिया, सभी ने आंसर बहुत अच्छा दिया है, नेहा जी ने भी आंसर दिया है, धन्यवाद।
कल्पना जी ने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस नेहा जी ने कमेंट किया, धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया आंसर लिखा है आपने। लक्ष्मी त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, सर 12 को मेरा SSC का एक MTS का एग्जाम था और GS के सारे क्वेश्चन आप ही क्लास से, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए, आप कंसिस्टेंटली जो इतने दिन से अगर स्टैटिक की क्लास चल रही है, कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करेंगी तो ऑब्वियस बात है आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, कंसिस्टेंसी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। चलिए बताइए, प्लास्टिक सर्जरी के जनक, प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? अब बताओ भैया, जिसने कराई हो वो बताओ, बताओ भैया, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के जनक, ये काफी लोग सही दे रहे हैं, इन्होंने कराई है क्या? चलो अब इस चीज को देखो, सुश्रुत जो है, सुश्रुत जो हमारे भारतीय मूल के एक ऋषि हैं, बहुत बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने, याद रखना, इन्हें क्या बोला जाता है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक बोला जाता है। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के जनक बोला जाता है। क्लियर। चरक, जरा ये चरक लिखा है, जरा बताओ चरक किसके दरबार में थे, पढ़ाया है तुम लोगों को, फटाफट बताओ चरक किसके दरबार के थे। ठीक है, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया, फटाफट तरीके से बताओ। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर सही दो जरा। ध्वनि की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, फटाफट तरीके से बताओ, पहले ही बता दिया था कई जमाने में, बहुत बढ़िया। चरक संहिता, चरक तो ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा, चरक जो थे ये किसके दरबार में थे, चलिए इसका आंसर दीजिए। काफी लोग सी दे रहे हैं, काफी लोग डी दे रहे हैं, आंसर नाम में ही छुपा होता है। ठीक है, ऑडियो फोन सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना। क्रोनोमीटर समय बताता है, क्रोनोलॉजी बताता है। एनीमोमीटर की अगर बात करें तो ये हवा की गति बताता है, विंड की स्पीड बताता है, वेलोसिटी ऑफ विंड, और डायरेक्शन भी बता देता है। और जो ऑडियोमीटर है ये क्या बताता है, ये ध्वनि की तीव्रता बताता है, याद रखना। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, बहुत बढ़िया, काउंट जरूर करते जाना भाई। बताओ एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, एनीमोमीटर। अब आपको बताना, जब से एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का हर क्वेश्चन में आंसर लगे थे तुम लोग, अब बता दो एनीमोमीटर आ गया है, इसका आंसर बता दो एनीमोमीटर। चलिए विंड वेलोसिटी, बहुत बढ़िया, ठीक है आ ही गया भाई एनीमोमीटर। इतनी देर से हर चीज में एनीमोमीटर का आंसर आ रहा था। होता क्या है ना कि एक कोई क्वेश्चन चीज अगर अच्छे से याद हुई तो सबका उसी को आंसर बनाते हैं अपन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विंड वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताओ फेदोमीटर क्या मेजर करता है, क्या आपको बताना है, फेदोमीटर बताना है, फेदोमीटर, पेडोमीटर क्या मेजर करता है जरा बता दो कमेंट करके। ठीक है, चलो भैया क्लास को लाइक करते जाना, और चलो बताओ वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, तो अब भी अपन ने देखा वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। बैरोमीटर से प्रेशर नापा जाता है, क्या नापा जाता है, प्रेशर। लेकिन वायुमंडलीय प्रेशर की जब अपन बात करते हैं, वायुमंडल के प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, तो वहां आ जाता है मैनोमीटर। कौन सा मीटर आता है भैया, मैनोमीटर आता है। हाइड्रोमीटर से किसी भी द्रव का घनत्व बताया जाता है, द्रव का क्या बताया जाता है, घनत्व बताया जाता है, याद रखना। और डेप्थ ऑफ ओशियन जो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, फेदोमीटर, याद रखना, फेदोमीटर डेप्थ ऑफ ओशियन बताता है। और विंड वेलोसिटी याद रखो, विंड वेलोसिटी किसके द्वारा मापी जाती है भैया, विंड वेलोसिटी एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, याद रखना एनीमोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। बताओ श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताओ। चलिए फटाफट तरीके से आंसर बताना है आपको। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इसका आंसर तो सभी पे आना चाहिए। चलिए फटाफट बताओ, वर्गीज कुरियन, क्या हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन। ठीक है, श्वेत, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो इसके पापा कौन होंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन के, श्वेत क्रांति के पापा कौन होंगे, वर्गीज कुरियन। कौन होंगे भैया, वर्गीज कुरियन। और अगर बात की जाए
इस किससे संबंधित थी भैया? तो याद रखो ये दुग्ध उत्पाद से संबंधित थी। किससे? दुग्ध उत्पाद से संबंधित थी। दूसरी चीज, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में एक ऑपरेशन चलाया गया भारत में जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम था? ऑपरेशन फ्लड नाम था। तो इसको भी याद रखना, ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। और ये राजा रमन्ना, बताओ भैया आरआर कैट कहां पर स्थित है? बताओ जरा आरआर कैट कहां पर स्थित है? ये लेदर से संबंधित एक आपका क्या है, संस्थान है इसरो का। बताना भैया आपको आरआर कैट कहां पर संबंधित स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया? काल मापी बताना है भैया। काल मापी मतलब होता है क्रोनोमीटर। क्या मतलब होता है? क्रोनोमीटर। ये क्या बताता है भैया? ये क्रॉनिकल एज बताता है। ये क्या बताता है? क्रोनोलॉजी बताता है। पूरा का पूरा काल बता देता है कि ये चीज कौन से काल में थी। ठीक है, फटाफट तरीके से बताइए। इंदौर में है आरआर कैट, बहुत बढ़िया। आरआर कैट कहां है? इंदौर में है। आपको बताना है भैया क्रोनोमीटर किसने इजाद किया था, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, फटाफट तरीके से बताओ। क्रोनोमीटर याद रखना, क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले हैं आज। ठीक है, तो थोड़ा टाइम को भी मेंटेन करके चलना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। अकील जी का आंसर एकदम सही आया, साक्षी जी का आंसर एकदम सही आया, बहुत बढ़िया। देखो जॉन हैरिसन, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर की खोज की थी, याद रखना, जॉन हैरिसन। ठीक है, तो जॉन हैरिसन ने की थी भैया, याद रख लेना अगर कोई पूछे तो। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट तरीके से। 1749 में लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक भी बोलते हैं इसको, लाइटनिंग रॉड, तड़ित चालक। ठीक है, ये तड़ित चालक या लाइटनिंग रॉड होती क्या है भैया? ये मान लो तुम्हारी है बिल्डिंग, ये तुम्हारी क्या है भैया? बिल्डिंग है, बहुत शानदार सी बिल्डिंग। तुम बन गए बहुत बड़े अधिकारी और तुमने बनवाई बिल्डिंग, और अब तुम अपनी बिल्डिंग पर एक ऐसी चीज लगवा लोगे जिसका नाम क्या होगा? तड़ित चालक। अब जैसे ही ये बिजली चमकेगी, बिजली चमक के ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके उसको अर्थ में भेज देगा, क्योंकि अर्थ की, अर्थ क्या करता है? पूरी चीजों को सोख लेता है। इस चीज को याद रखना, लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? लाइटनिंग कंडक्टर की, सॉरी लाइटनिंग कंडक्टर नहीं, लाइटनिंग रॉड। ठीक है, लाइटनिंग रॉड, लाइटनिंग रॉड का क्या किया इन्होंने? खोज किया था 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज तो मैं बता देता हूं भैया, कि एक चीज बताओ कि बादल से बिजली क्यों गरजती है? बिजली क्यों गरजती है जरा बता दो। समझो, जब बादल आपस में टकराते हैं तो इनके अंदर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े मौजूद हो जाते हैं, और वो जब बादल के अंदर छोटे छोटे जो स्नो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते हैं ना, तो वो आपस में चार्ज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? चार्ज। जैसे तुम अगर कोई वूल का कपड़ा लो और अपनी शर्ट से ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा, इसी तरीके से इसके अंदर चार्ज हो जाते हैं, तो ऊपर की तरफ बन जाता है प्लस, नीचे की तरफ बन जाता है माइनस। ठीक है, और अर्थ में अगर तुम्हें पता हो, जो अर्थ रहती है, अर्थ में तो कुछ होता ही नहीं है भैया, अर्थ तो न्यूट्रल रहती है, लेकिन एक तरीके से ये क्या करते हैं, ये अर्थ को भी चार्ज कर देते हैं, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनने लगता है। क्या बनने लगता है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों चार्ज जब बन जाते हैं तो यहां से बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं डिस्चार्ज होने, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होने आते हैं भैया, ये क्या हो जाते हैं, बहुत तेज लाइट भी सुनाई देती है और बहुत तेज आवाज भी आती है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत शॉर्ट में बताया ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाना है। बताओ इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया था? फटाफट तरीके से बताना है, इलेक्ट्रिक ट्रॉम फटाफट बताओ। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन आइस क्यूब प्रेजेंट इन द स्काई, बहुत बढ़िया। आइस क्यूब प्रेजेंट इन द स्काई नहीं होगा, प्रेजेंट इन द क्लाउड्स हो जाएगा। ठीक है, फटाफट तरीके से आंसर बताना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है भैया। 30 क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं, बताओ इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इलेक्ट्रिक ट्रॉम। सर पता नहीं था, आज पता चला, बहुत बढ़िया। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया आपको बताना है भैया। चलिए इसको देख लो, फायरडोर पिरोटोस्की। क्या भैया? फायरडोर पिरोटोस्की ने क्या किया? इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किया। इसको अच्छी तरीके से याद रखना, ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, इसका आंसर मुझे लगा नहीं था कि काफी लोग सही देंगे, लेकिन ए काफी लोगों ने सही दिया। अब पता नहीं काफी लोगों ने तुक्का लगाया कि सही दिया। निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया? बताओ भैया डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया?
फटाफट तरीके से बताना, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया। रोडोल्फ डीजल, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका भैया। रोडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है भैया किसके कितने सही हुए, काउंट करते चलना गलत गलत। समय मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? अब तुम्हें बताना, समय मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? अब समय मापने के यंत्र को घड़ी मत बोल देना, समय मापने के यंत्र को घड़ी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉक भी तो टाइम ही मेजरमेंट करती है, लेकिन यहां पर काल मापने की बात की जा रही है कि काल मापी यंत्र कौन सा होता है, कौन सा काल मापी यंत्र कौन सा होता है बता देना, काल मापी, ठीक है, कि बता दे कौन से काल की चीज है। याद रखो आंसर तो कमेंट में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्रोनोमीटर, आंसर क्या हो जाएगा? क्रोनोमीटर आंसर हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना भाई, क्रोनोमीटर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? क्रोनोमीटर। जरा एक बार कमेंट में बता दो यार, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, जरा बताओ कमेंट में सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने बोल दिया अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, मतलब मैं खुश हो गया, ठीक है, मतलब मुझे तसल्ली हो गई कि मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने, अब तुम्हें और मेहनत करना है बहुत ज्यादा, तुम्हारी मेहनत भी रंग लानी चाहिए, ठीक है, इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। माइक्रोवेव की खोज किसने की, बताओ। इस बार सीजीएल को फोड़ के रहेंगे यार, ठीक है, इस बार सीजीएल के क्वेश्चंस बनने चाहिए, पूरी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए एक एक टॉपिक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज दे रहा हूं, ठीक है। और टॉपिक वाइज कैसे दे रहा हूँ, PYQ के फॉर्म में दे रहा हूँ, तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हें भी एक फर्ज निभाना पड़ेगा, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका आंसर बताओ भैया क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव की खोज किसने की, फटाफट तरीके से आंसर बताओ, माइक्रोवेव की खोज किसने की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब। चलिए आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, याद रखो पर्सी स्पेंसर, क्या आंसर हो जाएगा? पर्सी स्पेंसर, स्पेंसर साहब ने माइक्रोवेव की है खोज, याद रखना, क्या? पर्सी स्पेंसर, स्पेंसर ने माइक्रोवेव की खोज की, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। माइक्रोवेव तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, माइक्रोवेव तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, लो बना दिया माइक्रोवेव, ठीक है, लो चलो बताओ, किसी वस्तु में आवेश है या नहीं यह जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरियंग चार्ज और नॉट? फटाफट तरीके से आपको आंसर बताना है, चार्ज कैरी कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट की नहीं कर रहा, फटाफट आंसर बताओ। पिज्जा बनाने की मशीन, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी को कुछ और याद था कोई दिक्कत नहीं, बस अपने आंसर्स को सुधारते जाना, इस क्लास में डेली जो क्वेश्चन होते हैं इनको रटते जाना भाई, तुम्हारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे जीएस में, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। तुम्हें एक शॉर्टकट मिल गया है कि तुम इस क्लास के क्वेश्चंस को बस रटते जाओ, क्योंकि अपन टॉपिक वाइज देख रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट तरीके से इसका आंसर दीजिए भैया, कौन सा ऐसा डिवाइस है? चलिए आंसर देख लेते हैं भैया, सभी ने आंसर वैसे तो सही दिया है, इलेक्ट्रोस्कोप। अब तुम देख पा रहे होगे इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज को आपका मेजर करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं। ओडोमीटर तुम्हें पता है, ये ट्रिप का डिस्टेंस बताएगा, ट्रिप मीटर भी बोल सकते हैं। स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट चेक करते हैं ना डॉक्टर साहब लगा के, वही तो है स्टेथोस्कोप, ठीक है। और स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर जांचा जाता है। थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं भैया, फटाफट आंसर देना, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कौन सी नस से, कौन सी नर्व, कौन सी नस से बताओ भैया, फटाफट तरीके से, कौन सी नस से नापा जाता है, ठीक है, फटाफट तरीके से आंसर बताओ। ब्लड प्रेशर, मैंने तुम्हें हार्ट वाली जो वीडियो में क्वेश्चन लगवाए थे ना टॉपिक वाइज, हार्ट वाले चैप्टर में, उसमें मैंने तुम्हें बताया था, फटाफट आपको बताना है, ब्लड प्रेशर किस नस के द्वारा नापा जाता है? उस नस का नाम बताया था, नाम बताया था भैया, सोने की शुद्धता मापी जाती है, सोने की शुद्धता मापी जाती है। अगर नहीं पता तो वापस से क्लास खोलना, वहां पे PDF तुम्हारे पास डाउनलोड होगी पहले से, मैं कहता हूँ डेली PDF डाउनलोड करो और उसको डाउनलोड जरूर बताना, ठीक है, जरूर बताना मुझे कमेंट में लिख के बताना। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टरी से चिल्ला रहे हो, आंसर बताना पहले। चलो कैरेट आंसर, बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा?
कैरेट आंसर हो जाएगा। अपन देखते हैं ना, सबसे शुद्ध शुद्ध जो सोना होता है वो क्या होता है, 24 कैरेट का सोना। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट तरीके से आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोग्राफ का आविष्कार किया था, बेरोग्राफ का आविष्कार किसने किया था भैया, बताओ जरा, बेरोग्राफ का आविष्कार। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहा है समझ नहीं आ रहा सर क्या बोलना चाह रहे हो, कि कौन सा क्वेश्चन बताना है। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो यहाँ पर एक नस होती है खास, उस नस का नाम मैंने आपको बताया था कि ब्रेकियल नाम होता है। मैंने ये आंसर दे दिया, ठीक है, ब्रेकियल नर्व उसका नाम होता है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ भैया किसने किया था। चलो इस चीज को देख लो, जो बेरोग्राफ था इसका विडी ने आंसर दिया था, मतलब किसने आविष्कार किया था, लुसियन विडी ने आंसर किया था। किसने? लुसियन विडी ने आंसर किया था, याद रखना लुसियन विडी। ठीक है, लुसियन विडी याद रखना इस चीज को अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो लुसियन विडी ने बेरोग्राफ आंसर दिया था, बेरोग्राफ की खोज की थी। बताओ पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था, पहला जो लेजर था, लेजर जो होती ना लेजर, पहली किसने बनाई थी भैया, मतलब लेजर का आविष्कार फटाफट तरीके से बताना है, लेजर का आविष्कार बताना है भाई साहब, लेजर का आविष्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, लेजर का आविष्कार। चलिए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, याद रखो थियोडोर एच मेमन, थियोडोर एच मेमन ने किसका आविष्कार किया भैया, लेजर का आविष्कार किया। इसको अच्छी तरीके से याद रखना, थियोडोर एच मेमन किसका आविष्कार किया, लेजर का आविष्कार किया। ठीक है भैया, अच्छे से याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भैया प्रकाश की गति सर्वप्रथम किसने मापी थी, प्रकाश की गति, ठीक है, प्रकाश स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले किसने मेजर की थी, आपको आंसर देना है। बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट तरीके से आंसर दो भैया। चलिए इसका आंसर दो भैया, ठीक है, सर्वप्रथम किसने लेजर का, सर्वप्रथम लाइट की गति को किसने मापा था, फटाफट तरीके से बताओ। चलिए आंसर आ चुका, रोमर ने, बहुत बढ़िया, याद रखो ओलास रोमर ने, किसने, ओलास रोमर ने सबसे पहले लाइट की गति को नापा था। अब आपको बताना है भैया लाइट की गति कितनी होती है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, इसको रट लेना बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना, 2 बार स्टार मार्क कर लेना, 3 बार स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, करते रहना स्टार मार्क। चलो बताओ घास काटने की मशीन का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड लॉन मोवर, ठीक है, लॉन मोवर किसने इस्तेमाल सबसे पहले इजाद किया था, बताना है आप सभी को, फटाफट तरीके से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलो आंसर बताना है भैया, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है, एडविन बियर्ड बडिंग, याद रखना एडविन बियर्ड बडिंग, देखो इसमें बडिंग है, बडिंग भी लॉन घास के आसपास लॉन से संबंधित है, बियर्ड तो लोगों की जो बियर्ड होती है वो भी तो घास के जैसी हो जाती है, तो याद रखना एडविन बियर्ड बडिंग, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, एडविन बियर्ड बडिंग बडिंग, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताओ नियांत लैंप का आविष्कार, नियांत नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था, बताओ नियोन लैंप, नियोन लैंप तुमने देखा ना, पुलिस वाले तुम्हें देखे मिले होंगे रात में, जो एक हल्की ग्रीन कलर का है, ठीक है, हल्की ग्रीन कलर का लाइट रहती है नियोन लैंप जैसा, फटाफट तरीके से आंसर बताओ। चलो 2 सेकंड का बोल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो याद रखो ये है तुम्हारा चंद्रमा, ये है मान लो तुम्हारी पृथ्वी, ये क्या है चंद्रमा है, ये है तुम्हारी पृथ्वी, अब मान लो चंद्रमा से पृथ्वी तक लाइट आ रही है तो ये 1.3 सेकेंड में आएगी, कितनी देर में आएगी, 1.3 सेकेंड, और सूर्य से पृथ्वी पर लाइट याद रखना 8 मिनट 16 सेकेंड में आती है। इसका आंसर दो भैया, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आंसर आ चुका है, याद रखो जॉर्ज क्लाउड ने दिया था, किसने दिया था, जॉर्जेस क्लाउड ने इसका आंसर दिया था, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ब्रेल का आविष्कार किसने किया था? तुम्हें पता है ना, जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि के द्वारा पूरी की पूरी अपनी जिंदगी चलाते हैं, मतलब बहुत शानदार तरीके से वो सभी काम कर पाते हैं, वो टाइपिंग भी कर लेंगे, वो पढ़ भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? किसके द्वारा? ब्रेल लिपि के द्वारा। तो कोई भी व्यक्ति पिछड़ा नहीं है आज के समय में, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप पिछड़ जाओगे, ठीक है? तो मेहनत जरूर करना है। आंसर क्या होगा? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल ने क्या किया था भैया? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसको अच्छी तरीके से याद रखना, नाम में ही था ब्रेल लिपि, ब्रेल नाम में ही था, ठीक है? चलिए तो आज के क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं भैया। बताना क्लास कैसी लगी, तीन क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट करना, सभी के कमेंट मैं पर्सनली चेक करता हूँ, सभी के स्क्रीनशॉट भी मैं ही लेता हूँ, याद रखना, ठीक है? चलो भैया कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। चलो फटाफट तरीके बताओ, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपको कमेंट करके बताना है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? बहुत सारे थे वैसे, आपको नाम बताना है, ठीक है? किस काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपको फटाफट तरीके से कमेंट करके बताना है भैया। और याद रखो, SSC फाउंडेशन का लाइव फ्रॉम क्लासरूम अपना चालू हो चुका है, धुआंधार प्राइजेस है इसकी, देख पा रहे होंगे आप, और ये सभी बहुत शानदार सी क्लासेस है, ठीक है? देख लेना भैया, ये आपके सोशल मीडिया हैंडल से द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन धुआंधार चल रहे हैं भैया, शानदार से ऐप के फीचर्स हैं, ये सभी 8 चैनल थे, और नोवा चैनल अपना आ चुका है, जहाँ पे ज्ञान के एक एक मिनट के पैकेट आपको दिए जाएंगे, ठीक है? तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी SSC CGL के हिसाब से, तो इस क्लास को रट के जाना एग्जाम के पहले, ठीक है? और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना, कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से कल शाम को 6 बजे, जब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।